बैक टू माई YouTube चैनल। मैं हूँ मर्षिका और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्म की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं जानती हूँ कि व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मेरे घर में इवेंट था, कृष्ण उत्सव था, हम सब ने बहुत धूमधाम से मनाया और यही रीज़न है कि मैंने उस इवेंट के छोटे छोटे छोटी छोटी जो भी मेमोरीज जो भी हैं मेरे पास, जो भी मोमेंट्स हैं, वो सब मैंने कैमरे में कैप्चर किया था ताकि मैं वो पूरा इवेंट आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि आप भी तो मेरी एक दूसरी फैमिली हो ना गाइस। तो आज आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई, कैसे कैसे मैंने प्रिपरेशंस की थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टाफ उसमें था। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था इस दिन और बहुत ही धूमधाम से ये जो त्योहार है इसे मनाया जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान कर्मयोगी थे। उन्होंने हमें कर्म का पाठ पढ़ाया, गीता का पाठ सिखाया, जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए और कितनी सारी कलाएं भगवान कृष्ण के अंदर थी वो सब हमें इस कलयुग में भी देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो जन्माष्टमी मनाई मैंने और मेरी फैमिली ने और कुछ रिलेटिव्स ने, कुछ फ्रेंड्स ने, सबने मिलकर मनाई बहुत ही धूमधाम से। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर टू। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं कि व्लॉग में आगे क्या है। मैं अब आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले मैंने शुरुआत करी शॉपिंग से। जन्माष्टमी के लिए मुझे जो भी चीजें शॉपिंग करनी थी, जो भी चीजें मुझे लेकर आनी थी, जैसे कि भगवान कृष्ण का झूला, गोपी चंदन और भी बहुत सारा स्टफ मैं खरीद के लेके आई। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब कि किस तरीके से मैंने उन चीजों को खरीदा था। तो फाइनली अब मैं रेडी हो चुकी हूँ हमारी शॉपिंग के लिए। जन्माष्टमी के लिए हम कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें मार्केट जाके शॉप करेंगे, वहाँ से मैं उनका कान्हा की ड्रेस लेके आऊँगी, झूला लेके आऊँगी और भी जो भी एसेंशियल्स हैं जो मुझे चाहिए अपने जन्माष्टमी के लिए। कल हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे, उसके लिए आज शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट का कुछ एरिया मैं कोशिश करूँगी कि कवर कर पाऊँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ वो डेकोरेशन एंड ऑल जो भी चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। तो स्टे ट्यून एंड शेयर करती हूँ। मुझे साइकिल रिक्शा राइड्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो मैंने रिक्शा लिया और उसके बाद मैं अपनी लोकल मार्केट गई, क्योंकि कोरोना की वजह से मैं नहीं जा पाई कहीं और, बट लोकल मार्केट में भी सब सामान बहुत आराम से मिल गया था। वहाँ पर एक छोटा सा स्टोर था, वैसे उस मार्केट में पूजा के लिए एक सबसे ज़्यादा फेमस शॉप है, बट इस बार मैंने वहाँ से शॉपिंग नहीं की क्योंकि कोरोना के चक्कर में ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जो छोटे छोटे लोग हैं जो स्ट्रीट पर सामान लगाते हैं, उनका सामान बहुत ज़्यादा नहीं बिक पा रहा है और वो लोग बहुत क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं जन्माष्टमी की शॉपिंग वहीं पे किसी भी लोकल वेंडर से करूंगी और वहां से ही मैंने सारा सामान लिया। एक आंटी और उनका बेबी वहां बैठे थे, वो दोनों बेच रहे थे सामान, मैंने वहीं से कान्हा का सारा सामान शॉप किया, झूला भी वहीं से लिया, सब कुछ लिया और मतलब उनको किसी भी तरीके से हेल्प करने की मैंने कोशिश करी। तो अभी आप जो भी आगे फोटोज या क्लिप्स देखोगे वो उस लोकल मार्केट की है जहां से मैंने शॉपिंग की। वहां पे जो जितना मैं कवर कर पाई पोर्शन मैंने कवर किया। वैसे मार्केट क्योंकि ट्यूसडे था तो हमारे यहाँ पे ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा बंद रहती है, बहुत कम चीजों की शॉप्स खुलती हैं, एसेंशियल्स की शॉप खुलती हैं, तो उतना ज्यादा मार्केट मैं कवर नहीं कर पाई, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैंने कवर किया आप देख लिए कि किस तरीके से बाजार सजा था, कैसे शॉप उन्होंने सजा रखी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल था सब कुछ। और उसके बाद मैंने वहां से उस शॉप से कान्हा के लिए चुकी हूँ। मैं आ चुकी हूँ मार्केट से वापस। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके कि मैं क्या कुछ लेके आई हूँ अपने कान्हा के लिए।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल थी, बहुत सुंदर सुंदर स्टफ था। इवन आई गॉट रियली कन्फ्यूज कि इतना सब कुछ है, मुझे क्या लेना चाहिए, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सूट करेगी उनके ऊपर, और डेकोर के लिए भी मुझे क्या क्या सामान चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं सब कुछ तो अभी शो नहीं कर पाऊंगी, बाकी चीज़ें आप डेकोरेशन होने के बाद देख सकते हैं। बट कुछ मेन मेन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मार्केट से मैंने क्या कुछ खरीदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये ड्रेस है, कान्हा जी की बाल गोपाल की ड्रेस है ये, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डॉल स्टाइल में ड्रेस है, नेट का पूरा वर्क है इसके ऊपर, और ये जो वर्क है ये सब मतलब बहुत नग और फ्लावर टाइप इस तरीके से, कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है इसका। मैंने मतलब जब इमेजिन किया था, एक्चुअली मेरे बाल गोपाल ब्लैक कलर के हैं, तो ब्लैक कलर के बाल गोपाल के ऊपर जब मैंने इस ब्लू कलर की ड्रेस को इमेजिन किया तो मुझे एक ही बार में ये ड्रेस पसंद आ गई थी। बहुत सारे प्यारे प्यारे ऑप्शन थे, उनमें से मैंने दो ड्रेसेस चूज की, एक ये थी और एक दूसरी ये थी ग्रीन कलर की ड्रेस। इस पे आप देख सकते हैं कि पूरा नग का वर्क है, ये थ्रेड वर्क है इसके ऊपर, और बहुत ही प्यारा स्टफ है इसका, और इसका डिजाइन भी एकदम यूनिक है। आई गेस जन्माष्टमी के पर्पस से बहुत ही प्यारा पीस है। और ये मेरी ये सारी शॉपिंग मैंने अपने लोकल मार्केट से की, क्योंकि और अभी कहीं जाना पॉसिबल हो नहीं पा रहा था वायरस के चक्कर में, लेकिन मैं वहां गई, वहां से मैं मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना अच्छा सामान मुझे मिल गया। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा ड्रेस पीस है ये। इसके बाद बारी आती है मुकुट की, क्योंकि कान्हा जी का मुकुट मुझे लेना था और थोड़ा यूनिक लेना था। तो आप देख सकते हैं, मैं इस तरीके से रुको मैं दिखाती हूँ, खोल के दिखाती हूँ आपको कि कितना प्यारा मुकुट है ये। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए किस तरीके से इस पे भी इतना प्यारा वर्क किया हुआ है, और ये छोटू से मेरे बाल गोपाल बहुत प्यारा लगेगा। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि उनको सजाना और फिर उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करना। और ये एक प्यारी सी बांसुरी है, छोटी सी, बहुत ही, इस पे भी पूरा नग का वर्क है गाइस। ये ब्लू कलर की ड्रेस से मैच करती हुई बांसुरी मैं उनके लिए लेके आई थी, और मैं भी अपना आउटफिट कुछ इसी तरीके का पहनने वाली हूँ, तो मैंने उसके साथ मैच करने के लिए भी ये कलर चूज किया था। आई होप यू लाइक इट। उसके बाद पूजा का कुछ सामान मैंने लिया था, जैसे कि गोपी चंदन, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तिलक है ये, पाउडर फॉर्म में है, ठीक है। इसमें आप चाहें तो प्रॉपर बना हुआ तिलक भी मिलता है, लेकिन मैं पाउडर फॉर्म में लेके आई हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल गोपी चंदन है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जन्माष्टमी का। जब आपके साथ गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, जन्माष्टमी आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर मनाते हैं, तो उस टाइम पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए स्टैम्प है राधे राधे का, कुछ इस तरीके का स्टैम्प हम मतलब अपने आने वाले सभी मेहमानों के यहाँ पे मस्तक पे लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, इससे गोपी चंदन की जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी प्यारी होती है, वो एक कॉमन फ्रेग्रेंस सब में से आ रही होती है, तो जन्माष्टमी का एक जो मजा है वो अलग ही क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम कान्हा की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो बहुत अमेजिंग बना सकते हैं हम अपनी जन्माष्टमी को। इसके अलावा मैं ये माला लेके आई हूँ अपने बड़े कान्हा के लिए। आप देख पा रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसमें पर्ल और ये छोटे छोटे फुंदने, इन सब का वर्क है, बहुत ही प्यारी है ये, बहुत ही ज्यादा प्यारी है गाइस, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इसके बाद ये इत्र है, गुलाब का इत्र है फ्रॉम शाइन कंपनी। ये इत्र कन्हैया को लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये इत्र उनके श्रृंगार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं ये इत्र लेके आई थी। आप देखिए इसकी खुशबू इतनी प्यारी है, लेकिन कहते हैं कि पूजा में लगाने से पहले हम इसे स्मेल नहीं करते, तो मैंने नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि क्योंकि जो शॉप में मैं गई थी तो अलग अलग इत्र के सैंपल्स थे और उनमें से प्यारी प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो इसकी मुझे बहुत पसंद आई थी। और बाकी तो देखिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक पीस, आप ये देखिए ये झूला मेरे कान्हा का, मीनाकारी वर्क बोलते हैं इसको। सो फाइनली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर इवनिंग इवेंट, हम लोग शाम की तैयारी कर रहे हैं, और कान्हा जी का बर्थडे और बलून्स ना हो तो उसमें क्या मजा है। तो अब हम घर की डेकोरेशन बलून्स के साथ कर रहे हैं, और आप देख सकेंगे कि कितने प्यारे तरीके से हमने बिल्कुल बेबी लाइफ उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। शाम बहुत मस्ती होने वाली है, और अभी आप देखिए हमारी डेकोरेशन किस तरीके से हम कर रहे हैं। स्वागत है मर्शिका दीदी के YouTube चैनल पर। आज हम अपना जन्माष्टमी का व्लॉग डालेंगे, और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
जैसा कि आपने देखा गाइस कि सारी प्रिपरेशंस हो चुकी थी। प्रिपरेशन करने के बाद अब बारी आती है फाइनल उत्सव की, कृष्ण उत्सव मनाने की। तो हम सब ने कृष्ण उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया। उसके अंदर हमने श्याम सुंदर का कीर्तन भी किया और हरे रामा हरे कृष्णा का जाप भी किया। बहुत सी छोटी छोटी डांस क्लिप्स भी मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर करके रखी हैं। तो अब आप उन डांस क्लिप्स को एंजॉय कीजिए, उस कीर्तन को एंजॉय कीजिए और वो डिवाइन फीलिंग अपने अंदर महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप भी बहुत ज़्यादा खुश रहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए, अपनी जिंदगी को अच्छे कामों में लगाइए, एक पर्पसफुल लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी जिंदगी आउट ऑफ ट्रैक चल रही है या अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप पॉजिटिविटी का साथ पकड़िए और उस पॉजिटिविटी को लेकर आप जो कुछ भी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, अपनों के लिए कर सकते हैं, वो सब कुछ कीजिए गाइस। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी इस लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस के चक्कर में, तो इस पर्टिकुलर कीर्तन ने मेरे अंदर वापस से उस ऊर्जा को जगाया। जिंदगी जीने का मकसद मुझे फिर से याद आया कि उस भगवान ने अगर हमें इस धरती पर भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, रादर देन हम अपने टाइम को ऐसे ही यूजलेसली वेस्ट कर दें इसलिए नहीं भेजा। कुछ प्रोडक्टिव सोचते हैं, कुछ मजा करते हैं, हंसते हंसाते हैं, खुश रहते हैं और अपने काम पर तो ध्यान देंगे। तो चलिए अब देर करे बिना हम उन क्लिप्स को एंजॉय करते हैं, कीर्तन का मजा लेते हैं। मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये सब कैसा लगा गाइस। चुप हो जा, मैं तुम और बोल रहा पीछे से तेरी सॉन्ग रही ब्लॉग में चल रही है। कोई नहीं, मैंने लगा देना दीदी वॉइस ब्लॉग चल कर देना म्यूट से। आ जाओ बहुत ज्यादा प्योर
का केक मैं स्पेशल ऑर्डर पे बनवा के लेके आई थी, वो मटकी मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी और मतलब बिल्कुल रियल मटकी वाली फीलिंग आ रही थी उसको देख के। और भाई बर्थडे हो और केक ना हो तो ऐसा कैसे चलेगा, तो इसीलिए मैं उनका केक लेके आई। हम सब ने उस केक को, सारे छोटे छोटे बच्चों को मैंने इकट्ठा किया था, जो भी मेरे घर में छोटे बच्चे थे और मैं भी अपने आप को भी बच्चा ही कंसिडर करती हूँ, हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा छुपा हुआ होता है ना, वही बच्चा मेरा बाहर निकल के आया था इस इवेंट में। तो हम सब ने मिलकर उस केक को कट किया और बहुत अच्छे से धूमधाम से कान्हा को वेलकम किया और लास्ट में आरती हुई और कीर्तन का समापन हुआ। सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ था, बच्चों का प्यार मेरे साथ था, तो ये उत्सव और भी बहुत खूबसूरत बन गया मेरे लिए। सो गाइज, अब आप केक कटिंग के इवेंट को एंजॉय कीजिए और उसके बाद आप लोग भी हरे कृष्णा हरे रामा का पाठ कीजिए। और फाइनली आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज आते हैं लेकिन आप सब्सक्रिप्शंस नहीं करते हैं, प्लीज गाइज ऐसा मत कीजिए। एक सेकेंड लगता है सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के लिए और नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस करने के लिए। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल। आप सभी को फिर से कृष्ण जन्म की बहुत सी शुभकामनाएं। आगे आने वाला इंडिपेंडेंस डे अच्छे से मनाइए। प्रे कीजिए कि जल्दी से जल्दी इस पैंडेमिक से हम सबको छुटकारा मिल जाए ताकि हमारी लाइफ बैक टू नॉर्मल आ जाए। और बैक टू नॉर्मल जिंदगी कभी आती नहीं है, हमेशा लानी पड़ती है, ये बात याद रखिएगा। कुछ भी अपने आप नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। तो अपनी तरफ से सब अच्छी तरीके से कीजिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, लव स्प्रेड कीजिए, इस दुनिया को बहुत जरूरत है इन सब चीजों की। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद मार्शिका, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड आई लव यू ऑल।